हम रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। प्रकाश जी, पहला स्टॉक है फर्स्ट सोर्स और ग्वालियर से दीपक पूछ रहे हैं, 2500 शेयर हैं, 72.70 रुपए की खरीद रही है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर था, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला। इसका टेक्निकल टारगेट कुछ 80 था, इन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अपमू मिलेगा और डिप मिलते हैं तो खरीदिए और अपमू का एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 100 शेयर है यहाँ, 557 इनकी बाइंग प्राइस रही है। राजू पंड्या का सवाल, मेरे ख्याल से थोड़ी और पेन सहना पड़ेगा, लोअर लेवल में सपोर्ट 440 के आसपास है, अगर वहां मिल जाता है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करें 550-540 में बेचिएगा और होल्ड कीजिए। IDFC बैंक गुगल के अरुण व्यास के पास है, 1000 शेयर, 44.30 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है और फिलहाल लॉस कुछ 3.50 रुपए पर शेयर। कुछ खास लॉस नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए और निकल जाना चाहिए स्टॉक से, स्टॉक वीक है नहीं तो ज्यादा नुकसान होगा। अदानी ट्रांसमिशन धनबाद से दीपक पूछ रहे हैं क्या करें इसमें, इन्होंने 199 रुपए पर इसे खरीदा था। होल्ड के सिवा कोई चारा नहीं है, वीक स्ट्रक्चर लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 100 के आसपास, वहां चाहे तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करें 140-150 पे बेचिएगा। कोचिन शिपयार्ड 536 रुपए की खरीद रही है, संतोष जी के पास है ये शेयर। इसमें भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, लोअर लेवल से शायद 460 का भी जोन देख सकते हैं, इसका अपमू मिलता है तो अपमू का एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाएगा, 505 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ओके, मन्नपुरम फाइनेंस है आशीष गांधी के पास, 123 इनकी बाइंग प्राइस है, 100 शेयर है इनके पास। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 100 के आसपास है, लोअर लेवल्स मिलते हैं तो उसका एडवांटेज देकर ऐड कर सकते हैं, बेचिएगा 125 के आसपास। गोदरेज एग्रोवेट राजेंद्र प्रधान के पास है, 665 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की थी। 665 के है तो स्टॉक बहुत बढ़िया, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐड करने की जगह 570-75 जोन है, वहां पर मिल जाता है तो वहां पर ऐड कीजिए, जो ऐड कीजिए 700 के आसपास जरूर बेचिएगा। जिन प्लेट AK सिंह पूछ रहे हैं, 200 शेयर 256 रुपए की खरीद, बहुत महंगा में फंसे हुए हैं लेकिन लगता है कि इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, इतनी बढ़त के बाद 187 अगर ब्रेक हो जाता है तो इनको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि 80-320 बहुत फास्ट दौड़ा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा पेन नजर आ रहा है। जैन इरिगेशन खरीद का भाव 120 रहा है, रतलाम से सतीश के पास है। अब भी कोई खास नुकसान नहीं है, सिर्फ 20 रुपए का नुकसान है, निकल जाना चाहिए स्टॉक से, स्ट्रक्चर वीक है और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी स्टॉक वेंकीज 3850 की खरीद रही है, दिल्ली के योगेश को क्या करना चाहिए इसमें? वेंकीज का स्टॉक है इनके पास, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, लोअर लेवल्स में अगर एडवांटेज मिल जाता है तो वहां पर ऐड कीजिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2400 है, तो 2400 और 2800 के बीच में अगर मौका मिलता है तो वहां पर ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद होल्ड कीजिए, बेचने की जगह 3800 है, वहां पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं।